हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकुंज जरीवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। बच्चों, आज से हम 9th स्टैंडर्ड का साइंस चालू कर रहे हैं। ओके, अब 9th स्टैंडर्ड में जो साइंस पढ़ोगे बच्चों, उसको आपको तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, मैं पर्टिकुलरली आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, और आज से बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, एंड दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग, उसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे अभी। ओके चले बच्चों, तो अपने आजू बाजू थोड़ा नजर दौड़ाइए। तो अपने आजू बाजू बच्चों आपको क्या क्या दिख रहा है बताइए। तो अपने आजू बाजू बच्चों आपको दिखने वाला है टेबल पड़ा होगा, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, सामने पेपर पड़ा होगा, बॉल पेन पड़ी होगी, राइट। फिर ऐसी चीज जो आपको नहीं दिख रही, जैसे कि एयर है आपके आजू बाजू, राइट। बाहर निकलोगे तो स्काई होगा, क्लाउड होगा, स्टार होगा, सन होगा, राइट। तो ये जितनी भी चीजें बच्चों है ना अपने आजू बाजू, ये सारी चीजें जो है ना वो मटेरियल का बना है। किसका बना है बच्चों? सारी चीजें मटेरियल का बना हुआ है, और जिस मटेरियल का वो बना है ना बच्चों, उस मटेरियल को हम कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं बच्चों उस मटेरियल को? हम मैटर कहते हैं। तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ द मटेरियल कॉल्ड मैटर। चलिए, तो आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया बच्चों, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मटेरियल, मेड अप ऑफ द मटेरियल, एंड दिस मटेरियल इज कॉल्ड एज व्हाट? मैटर। क्या कहते हैं बच्चों इस मटेरियल को? हम मैटर कहते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये जितने भी अभी अपने ऑब्जेक्ट बोले ना, जितने भी ऑब्जेक्ट हमने बोले, ये सारे ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, सारे ऑब्जेक्ट जो है ना वो जगह रोकेंगे अपनी। ओके, अगर मान लो कि एक जगह पे आपका मोबाइल फोन पड़ा हुआ है, तो उसी जगह पे अपना अगर आपको बुक रखना है, तो आपको पहले मोबाइल को वहां से हटाना पड़ेगा, फिर उस जगह पे आप बुक रख पाओगे ना। इसका मतलब क्या है कि मोबाइल जो है वो अपनी जगह वहां पे ऑक्यूपाई कर लेता है जैसे आप उसको वहां पे रखोगे। ओके, तो ये जितने भी बच्चों मैटर है, जो मैटर का बना हुआ कुछ भी है, तो वो क्या करता है बच्चों? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्या ऑक्यूपाई करता है बच्चों? स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और उसको क्या होता है? अपना मास होता है। क्या होता है उसको? अपना खुद का मास होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे बच्चों मैटर का एक और डेफिनेशन, दैट इज एवरीथिंग, एवरीथिंग विच हैज मास, एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, everything which has mass and occupy space is called matter. क्या कहते हैं बच्चों उसको? matter कहते हैं। is that clear? तो ये आपका पहला definition हो गया बच्चों matter का। ऐसा कोई भी चीज जिसका अपना mass हो और वो क्या करेगा? अपना space occupy करेगा, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? matter कहते हैं। okay, अब जो अपने Indian philosophers थे, उन्होंने ट्राई किया कि ये मैटर जो है वो कितने टाइप का होता है। तो उन्होंने कहा कि मैटर जो है ना वो पंच तत्वों का बना हुआ है। आपने पंच तत्व की कहानियां सुनी होगी ना, तो ये कहानी की बात नहीं है, ये एक्चुअली साइंस है। तो इंडियन फिलोसोफर कहते हैं बच्चों कि जो आपका मैटर है ना, दिस इज एक्चुअली पंच तत्व। ओके, कितने टाइप का होता है वो? पांच टाइप का होता है पंच तत्व। कौन कौन सा टाइप बताए? चलिए आप बताए कौन कौन सा वो टाइप होगा। एयर, वॉटर, देन फायर, देन स्काई, और लास्ट कौन सा बचा बच्चों? अर्थ। कौन सा बचा लास्ट जो है वो? अर्थ। तो ये उनके हिसाब से पंच तत्व है, और पूरा ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में जो भी कुछ है ना, वो इन पांच चीजों का बना हुआ है। ऐसा किसने कहा था बच्चों? इंडियन फिलोसोफर ने कहा था। तो ये हो गया बच्चों आपका एक पंच तत्व का लॉजिक। कौन कौन सा है पंच तत्व में? एयर, वॉटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। ओके चले बच्चों, यहां से अब आगे बढ़ते हैं। फाइन, अब जैसे जैसे इंडियन या कोई भी सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, ओके, तो उन्हें और इंटरेस्ट हुआ कि मैटर जो है उसको और अच्छी तरह से समझा जाए। फाइन, तो जो मॉडर्न डेवलपमेंट हुआ, ओके, उसके हिसाब से अभी हम मैटर को बच्चों दो अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। पहला होता है बच्चों स्टडी ऑफ द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो रिसेंट टाइम में बच्चों हम मैटर को दो अलग अलग तरीके से स्टडी करते हैं। एक होता है बच्चों बेस्ड ऑन मैटर, स्टडी बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी,
और दूसरा है बच्चों मैटर स्टडी बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, मैटर स्टडी बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टी. ओके, अभी बच्चों इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें पढ़ना है ये स्टडी ऑफ द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली. और केमिकल प्रॉपर्टी जैसे जैसे आपका केमिस्ट्री आगे बढ़ेगा धीरे धीरे हम ये केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी जाने वाले हैं. तो अभी हमें क्या करना है बच्चों, ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में सीखना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए, अब हमने कह तो दिया है कि हर कोई चीज जो है वो मैटर का बना है, तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे. सबसे पहला कि मैटर का नेचर कैसा होता है, फिर मैटर जो है वो किस चीज का बना होता है. तो हम बात करेंगे बच्चों फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर. कौन सा नेचर? फिजिकल नेचर. ओके, सबसे पहला पॉइंट है बच्चों कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. क्या है बच्चों? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ओके, आपको सवाल होना ही चाहिए ये कि मैटर जो है वो कैसा है, कंटिन्यूस है कि फिर इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल है. कंटिन्यूस का मतलब प्लास्टिक जैसा. ओके, सॉरी, कंटिन्यूस का मतलब क्या है बच्चों? प्लास्टिक जैसा. ओके, और पार्टिकल नेचर का मतलब कैसा है? सैंड जैसा, सैंड रेती जैसा. राइट, अगर आपके पास एक प्लास्टिक का टुकड़ा है तो वो कैसा होता है? पूरा कंटिन्यूस होता है. बट अगर आपके पास रेती है तो रेती कैसा होता है? छोटे 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 पार्टिकल के फॉर्म में होता है. तो मैटर कैसा होता है? क्या वो प्लास्टिक जैसा होता है उसका नेचर, कि क्या उसका नेचर ये आपके सैंड जैसा होता है? तो हम एक सिंपल सा बच्चों एक्सपेरिमेंट करेंगे. इसके लिए हमें क्या करना है पता है? हमें एक ग्लास लेना है बच्चों. चलिए, तो ये आ गया आपका ग्लास. ओके, कांच का ग्लास लिया, उसके अंदर हम पानी भर देंगे. क्या भरेंगे बच्चों? उसके अंदर हम पानी भर देंगे. फाइन, और उसके अंदर हम डाल देने वाले हैं बच्चों सॉल्ट. क्या डालेंगे उसके अंदर? हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे. चलिए, आप क्या करिए, एक बार इसके अंदर सॉल्ट डाल दोगे ना, उसके बाद चेक करिए वाटर का लेवल क्या हुआ, ऊपर नीचे हुआ कि नहीं हुआ वाटर का लेवल. तो आप बच्चों ऑब्जर्व करोगे कि आफ्टर एडिंग द सॉल्ट, आफ्टर एडिंग द सॉल्ट, वाटर लेवल विल नॉट चेंज. वाटर लेवल विल नॉट चेंज. वाटर लेवल तो सेम ही रह जाएगा, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा वाटर का लेवल तो. और साथ में सॉल्ट के पार्टिकल तो गायब हो जाएंगे. आपको पता ही होगा ये कि पानी में आप नमक डालोगे तो नमक गायब हो जाता है. सॉल्ट पार्टिकल क्या हो जाएंगे बच्चों? दे विल डिसअपीयर. तो गया कहां पे सॉल्ट का पार्टिकल? हाँ, सॉल्ट कहां गया? तो एक्चुअली में क्या है बच्चों कि जो वाटर जो है ना वो पार्टिकल के फॉर्म में है. तो ये जो ब्लू कलर का है ना बच्चों, सपोज ये वाटर का पार्टिकल्स है. किसका पार्टिकल्स है बच्चों? ये वाटर का पार्टिकल्स है. ओके, और जैसे ही बच्चों आपने सॉल्ट डाला ना, तो सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या करेंगे? वाटर के पार्टिकल के बीच में जो जगह होंगे ना, वहां पे वो अपनी जगह बना लेंगे. समझ आया बच्चों आपको? इसीलिए पानी का लेवल बढ़ने वाला नहीं है, पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसके बीच में जगह होगी, वहां पे सॉल्ट के पार्टिकल एडजस्ट हो जाते हैं. इसीलिए पानी का लेवल बढ़ने वाला नहीं है. तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों? मैटर जो है वो किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स का बना हुआ है. वो कंटिन्यूअस नहीं है. वो कैसा है बच्चों? पार्टिकल का बना है. ओके, चलिए, तो नेक्स्ट बच्चों, पार्टिकल ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल. पहले ये देख लिया कि जो मैटर है वो किसका बना है? पार्टिकल्स का बना है, कंटिन्यूअस नहीं है. तो अब ये पार्टिकल का साइज क्या होता है? तो पार्टिकल का साइज जो है ना बच्चों, वो इतना छोटा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते. आप सिंपली सोचो कि आपके आजू बाजू इतनी सारी एयर है, उसके अंदर ऑक्सीजन के पार्टिकल है, नाइट्रोजन के पार्टिकल है, बाकी गैसेस के पार्टिकल है, डस्ट है, फ्यूम्स है. आपको दिख रहा है कुछ भी नेकेड आइज से? नहीं दिख रहा है ना. इसका मतलब यह है कि पार्टिकल जो है ना बहुत ही छोटे होते हैं. चलिए, यहां पे भी आपको एक एग्जांपल दिया है. आपको क्या करना है बच्चों? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एक ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे. आप लैब में जाओगे तो आपको दिखाएंगे ये. ओके, तो ब्लू कलर के क्रिस्टल, आपको खाली दो क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के. तो ये बच्चों सपोज मान लो जाइए कि ये जो है ना वो क्या है? एक पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल है. क्या है बच्चों ये? दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट. ओके, आपको कुछ नहीं करना, आपको इस पोटेशियम परमैंगनेट को 100 ग्राम पानी में डाल देना है, 100 ml पानी में डाल देना. तो आप एक बीकर ले लीजिए. ओके, उसमें कितना पानी भरोगे बच्चों आप? अब उसके अंदर पानी भरने वाले हो 100 ml. और हमें खाली क्या करना है, 100 ml के अंदर ये दो क्रिस्टल को डाल देना है. आप जैसे ही दो क्रिस्टल को डालोगे ना बच्चों, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये पूरा जो पानी है ना वो ब्लू हो जाएगा, एकदम डार्क ब्लू कलर पकड़ लेगा ये पूरा पानी.
जैसे ही आप ये किस क्रिस्टल को अंदर डालोगे वैसे। अब आपको क्या करना है, ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन गया ना, उसमें से आप एक टेस्ट ट्यूब से थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल लो बाहर, समझे आप। जो भी सॉल्यूशन बना है उससे एक टेस्ट ट्यूब बाहर निकालो। अब वापस एक दूसरा भी कर लो, उसके अंदर वापस 100 ml साफ पानी भरो। ठीक है, कितना पानी भरा बच्चों ने, वापस 100 ml साफ पानी भरा, और उसके अंदर ये जो टेस्ट ट्यूब निकाला था ना, इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डिसॉल्व किया था यहां पे, वो वाला इसके अंदर डाल दो वापस। अब ऑब्जर्व करोगे कि ये भी ब्लू हो जाएगा, पूरा 100 ml पूरा ब्लू हो जाएगा वापस। बट ये ब्लू कलर ज्यादा डार्क होगा, ये थोड़ा कम डार्क होगा, ओके, बट ब्लू तो हो ही जाएगा ये, फाइन। अब इसमें से एक टेस्ट ट्यूब निकालो बच्चों, ठीक है, उसको वापस आप 100 ml पानी में डालो, साफ पानी में, ओके। अब जैसे ही बच्चों ये टेस्ट ट्यूब अंदर डालोगे, आप ऑब्जर्व करोगे ये वाला पानी भी ब्लू हो जाएगा, समझ आ रहा है, इससे थोड़ा लाइट ब्लू होगा, ओके। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर आप इसको 6-7 बार भी रिपीट करोगे ना, तो भी हर बार ये जो दो क्रिस्टल खाली डाले थे हमने, तो कितना क्रिस्टल डाला था बच्चों, 2 क्रिस्टल खाली, इतना छोटा छोटा 2 क्रिस्टल डाला था, और 100-100 ml अपने लगभग 7 से 8 बार लेंगे, मतलब 800 ml पानी लेंगे हम, 1 लीटर जितना पानी लेंगे, तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे को ब्लू बना देगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 क्रिस्टल दिख रहे हैं ना, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल होने चाहिए, इसीलिए ये हर बार पानी को ब्लू करे जा रहा है, ओके। मतलब ये 2 क्रिस्टल दिखने में बहुत छोटे हैं, बट उसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स हैं कि वो लगभग लगभग 2-5 लीटर पानी को ब्लू कर सकता है, खाली 2 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ओके। तो हम यहां पे लिखेंगे, देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल ऑफ KMnO4, इन द क्रिस्टल ऑफ वॉट, KMnO4, दैट इज योर पोटेशियम परमैंगनेट। आप ये सारे फॉर्मूलास पढ़ने वाले हो 9th स्टैंडर्ड में, और इज इट पोटेशियम परमैंगनेट, इज दैट क्लियर बच्चों, बोलिए इतना आपको समझ में आ गया। तो अभी हमने मैटर की 2 प्रॉपर्टी पढ़ी, चलिए मैं समराइज करता हूं बच्चों। यहां पे हमने मैटर का 2 प्रॉपर्टी पढ़ा, ठीक है ना, उसमें पहला प्रॉपर्टी है कि मैटर कैसा होता है बच्चों, पार्टिकल होता है, कैसा होता है मैटर जो है वो पार्टिकल का बना होता है, और ये पार्टिकल कैसे होते हैं बच्चों, वेरी 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 स्मॉल, कैसे होते हैं पार्टिकल, वेरी स्मॉल, ठीक है, आप इतना समझ गए। चले बच्चों अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ नेचर, ये जो पार्टिकल है ना उसका नेचर कैसा है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। चले तो सिंपल से एक एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए कि हमें नींबू शरबत बनाना है, ओके। तो नींबू शरबत बनाने के लिए बच्चों आप क्या क्या करोगे, तो सबसे पहले तो आप वॉटर ले लोगे बच्चों, यस और नो, चलिए क्या आ गया बच्चों, ये आपका वाटर आ गया, ठीक है। फिर इसके अंदर आप क्या क्या ऐड करोगे बच्चों, नींबू पानी बनाने के लिए सबसे पहले तो इसके अंदर आप बच्चों डालने वाले हो सॉल्ट, तो ये क्या हो गया बच्चों, सपोज मान लो ये आपका सॉल्ट हो गया, और क्या डालोगे इसके अंदर आप, लेमन डालोगे, चलिए और क्या डालोगे आप उसके अंदर, शुगर डालोगे, तो सपोज मान लीजिए कि ये क्या आपका शुगर है, ठीक है, और बच्चों लेमन भी ला देते हैं, चलिए तो ये है आपका नींबू, ओके। तो ये सब चीज आप मिक्स करोगे, उससे क्या बन जाएगा बच्चों, नींबू पानी बनेगा, चलिए आपने सब कुछ अंदर डाल दिया बच्चों। उसके बाद आप पहला सिप मारोगे तो आपको सबका टेस्ट आना है कि नहीं आना है, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ओके। आखिरी सिप जब मारोगे पूरा खत्म हो जाएगा तब भी सबका टेस्ट आएगा, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपने पानी के अंदर ये सबको डाला ना, सब कुछ इवनली मिक्स हो गया, ओके। मतलब क्या है बच्चों, सॉल्ट के पार्टिकल्स, सपोज ये आपके सॉल्ट का कलर था ये, तो ये सॉल्ट के पार्टिकल जो है वो मिक्स हो गए इक्वली हर जगह पे, सिमिलरली शुगर के जो पार्टिकल है वो भी हर जगह पे बच्चों इक्वली मिक्स हो गए, ओके। सिमिलरली लेमन जो है वो भी क्या हुआ बच्चों, हर जगह पे इक्वली घुल गया, इस तरह से, समझ आ रहा है बच्चों। ऐसा तभी हो सकता है जब वाटर के पार्टिकल के बीच में बहुत सारी स्पेस हो, यस और नो। तो यहां से बच्चों आप पहला कंक्लूजन क्या करोगे पार्टिकल के लिए, पहला कंक्लूजन करेंगे कि पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल के बीच में क्या होगा, खाली जगह होगा। चलिए तो बच्चों पहला कंक्लूड करेंगे हम यहां पे, फर्स्ट कंक्लूजन इज द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, इसलिए तो यहां पे सब कुछ इक्वली खुला ना, हर जगह पे जगह है, इसीलिए सब कोई जो है वो अलग अलग जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और हमें सब चीजों का अच्छे से टेस्ट आ रहा है, राइट। पार्टिकल है स्पेस बिटवीन देम,
ऐसा नहीं खाली नींबू पानी में ही होगा, चाय बनाइए या कोई और फूड स्टफ बनाए, सबके अंदर ये सेम रहेगा आपका। ओके चलिए बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी भी बच्चों एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। मान लीजिए कि एक अगरबत्ती है और उस अगरबत्ती को अगर आपको स्मेल करना है, जलाया नहीं है हमने अभी उसको, अगर आपको उसको ऐसे ही स्मेल करना है तो आपको उसको कितना पास लाना पड़ेगा। सपोज ये अगरबत्ती है, इतना दूर होगा तो स्मेल आएगा उसका, अगर जलाया नहीं है तो नहीं आएगा ना। आपको कम से कम उसको इतना पास लाना पड़ेगा तब जाके वो अगरबत्ती का आपको स्मेल आएगा। यस और नो, एग्री? ओके। अगर आपने अगरबत्ती को जला दिया और फिर आप उसको रूम में किसी कोने में रख दो, अब उसका स्मेल आपको आएगा? ऑब्वियसली आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगरबत्ती में से जो स्मेल, जो सेंट के पार्टिकल निकल रहे हैं ना, वो पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं, इसीलिए वो एक कोने से लेके दूसरे कोने तक हर जगह पे क्या होगा बच्चों, घूम जाएगा। क्या होगा? वो हर जगह पे घूम जाएगा। समझ आया आपको? इतना सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। ओके तो दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों के, जो मैटर के पार्टिकल होता है ना, वो कंटिन्यूअसली कैसे होते हैं, मूवमेंट करते होते हैं। ओके तो हम लिखेंगे बच्चों यहां पे आपका सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर इन कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इज दैट क्लियर? ओके चले बच्चों, अब ये जो मोशन है ना वो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। हम दो और एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमें एक और एक्सपेरिमेंट करूंगा बच्चों, मैं दो अलग अलग बीकर में पानी ले लूंगा। चले क्या ले लेना है बच्चों अपने को, इसके अंदर ले लेना है वॉटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, एकदम केयरफुली इसके अंदर इंक का ड्रॉप डालना है। क्या है बच्चों, ये ब्लू कलर का इंक ले लो आप, उसका एक ड्रॉप धीरे से गिराएंगे और इसके अंदर बच्चों हम ले लेंगे हनी। क्या ले लेंगे? इसके अंदर हम एक ड्रॉप हनी डाल देंगे धीरे से वो भी, और उसको स्टीयर नहीं करना है आपको, स्टीयर नहीं करना है आपको, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। क्या होगा बताइए? चलिए, व्हाट योर ऑब्जर्वेशन सेज। बहुत बढ़िया, ये जो इंक है ना वो पूरे पानी के अंदर अपने आप घुल जाता है। यस और नो? इंक की वजह से पूरा का पूरा जो पानी है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, ब्लू कलर का हो जाएगा, बिकॉज इंक जो है वो ब्लू कलर का है, वो अपने आप ही घुल गया। तो ये इंक का ड्रॉप क्या करेगा बच्चों, पूरा जो पानी है उसको ब्लू कर देगा। इट विल टेक सम टाइम, बट वो अल्टीमेटली क्या करेगा, पूरे पानी को ब्लू कर देगा। यहां पे जो हनी का ड्रॉप डाला है उसको बच्चों, उसका क्या होगा, हनी घुलेगा पानी में, घुलेगा कि नहीं घुलेगा बताइए? तो हनी जो है वो भी पानी में घुलेगा, बट उसको ज्यादा टाइम लगेगा। यस और नो? हनी जो है वो भी पानी में घुलेगा, बट इट विल टेक मोर टाइम टू मिक्स विथ वॉटर। तो हनी क्या करेगा, इट टेक्स More time to mix with water. To mix with water, right? और जो ink है बच्चों उसका क्या होगा, ink mix rapidly with the water. Ink क्या होगा, it will mix rapidly with the water. वो बहुत फटाफट पानी के साथ जो है वो mix हो जाएगा. Agree or not? Okay. चलिए बच्चों, एक और छोटा सा हम activity यहां पर देखने वाले हैं अभी, एंड दैट एक्टिविटी इज, हम ना पोटेशियम परमैंगनेट, याद है ना वो ब्लू कलर वाला भी लिया था ना वैसा ही, तो हम पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लेंगे और उसको एक तरफ ठंडे पानी में डालेंगे और एक तरफ गर्म पानी में डालेंगे। तो हम वापस दो बीकर लेने वाले हैं। चलिए आ गए दो बीकर, राइट? चलिए इसके अंदर भी पानी ही लेना है, इसके अंदर भी पानी ही लेना है। फर्क क्या है यहां पर बच्चों, कोल्ड वॉटर है और यहां पर कौन सा वॉटर है बच्चों, हॉट वॉटर है। हम दोनों के अंदर क्या करने वाले हैं बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ना उसका एक क्रिस्टल डाल देंगे। क्या ये बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट पानी को ब्लू कर देगा, है ना, परमैंगनेट। चले दोनों में एक एक क्रिस्टल डाल दीजिए, स्टीयर नहीं करना है बिल्कुल भी, ऐसे ही छोड़ देना है डाल के। बोले बताइए दोनों में से किसके अंदर ब्लू कलर जल्दी पकड़ेगा, ठंडे पानी में या गर्म पानी में? ऑब्वियसली गर्म पानी के अंदर ब्लू कलर जल्दी आएगा। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, ये पोटेशियम परमैंगनेट है ना वो बहुत जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो डिसॉल्व होगा क्विकली, इट विल डिसॉल्व क्विकली। और यहां पे कोल्ड वाटर के अंदर इट विल डिसॉल्व स्लोली, इट विल डिसॉल्व स्लोली, राइट? चलिए बच्चों, तो ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसका कंक्लूड करना पड़ेगा। चलिए तो इसका कंक्लूजन देखते हैं बच्चों। तो कंक्लूजन है कि तो फर्स्ट रिजल्ट आपका, पार्टिकल ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग,
राइट, जो हमने अभी देखा कि वो जो अगरबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट था, पार्टिकल मूव कर रहे थे, हर एक केस में मूव कर रहे हैं पार्टिकल, ओके, एंड दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। जब भी बच्चों कुछ भी चीज मोशन में होती है ना, तो उसके पास एक एनर्जी होती है और उस एनर्जी को हम कहते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी। या आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ने वाले हो तो जो पार्टिकल है उनके पास कौन सा एनर्जी होता है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि वो मोशन कर रहे हैं। ओके, दूसरी बात, हॉट वाटर मतलब जब पानी गर्म था तो ये इंक पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो बहुत जल्दी जल्दी मिक्स हुआ। इसका मतलब क्या है कि गर्म पानी में पार्टिकल जो है वो ज्यादा रैंडमली या ज्यादा स्पीड में मूव कर रहा है, इसीलिए फटाफट मिक्सिंग हो गया गर्म पानी के अंदर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो हम यहां पे बच्चों लिखते हैं कि एज टेम्परेचर राइजेस, गर्म पानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पार्टिकल मूव फास्टर। तो एट द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल क्या होगा बच्चों? पार्टिकल विल मूव फास्टर, इससे क्या होगा उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और वो क्विकली इंटरमिक्स हो जाएंगे। एंड दे इंटरमिक्स क्विकली, दे इंटरमिक्स क्विकली, राइट? ओके, चलिए बच्चों, इंटरमिक्सिंग से एक और टर्म यहां पे आ रहा है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो यहां पे हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला, पानी को स्टीयर नहीं करा था, इंक डाला था वहां भी पानी को हमने स्टीयर करा नहीं है, अपने आप वो सब मिक्स हुआ है, अपने आप मिक्स हुआ है सब कुछ। तो जब ये अपने आप इंटरमिक्सिंग होता है ना किसी भी चीजों का, तो उसे कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं बच्चों उसको? हम डिफ्यूजन कहते हैं। चलिए तो डेफिनेशन लिख देते हैं डिफ्यूजन का। चलिए तो क्विकली डिफ्यूजन के थियरी पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहला बच्चों, पार्टिकल ऑफ द मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, अपने आप मिक्स हुए थे, हमने कोई स्टीयर करा नहीं था, ओके, विथ ईच अदर। कैसे हुआ ये? तो पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच में जो स्पेस है वहां पे घुस जाते हैं, राइट? तो क्या होगा बच्चों? चले तो डिफ्यूजन के क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए जाए। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, पार्टिकल ऑफ द मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, जैसे मैंने बताया आपको, अपने आप वो मिक्स हो गए थे, राइट? कैसे मिक्स हुए? तो सबके बीच बीच में जो स्पेस होती है वहां पे दूसरे पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लेंगे उस स्पेस को, बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। तो इट इज इंटरमिक्सिंग ऑन देयर ओन बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों, अब डिफ्यूजन का डेफिनेशन देख लीजिए। इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। तो इतना आपको याद रखना है बच्चों, इंटरमिक्सिंग ऑन देयर ओन, इंटरमिक्सिंग ऑन देयर ओन इज कॉल्ड एज व्हाट? डिफ्यूजन। क्या कहते हैं बच्चों उसको? डिफ्यूजन कहते हैं। समझ आया आपको सिंपल सी बात, अपने आप एक दूसरे से मिल जाना, उसे क्या कहते हैं हम? डिफ्यूजन कहते हैं। और आप याद करिए, जब गर्म पानी था ना तो फटाफट मिक्सिंग हुआ था पोटेशियम परमैंगनेट का, मतलब हीटिंग करने पे क्या करता है बच्चों? डिफ्यूजन जो है वो फास्ट बनता है, क्योंकि जैसे ही आप हीट करोगे तो पार्टिकल को और एनर्जी मिलेगी, पार्टिकल और ज्यादा स्पीड में घूमना चालू करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, फटाफट मिक्सिंग हो जाएगा। वेरी सिंपल, ओके। चलिए एक लास्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों अब। चलिए तो आखिरी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, एक सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो पर्टिकुलर मार्कर है इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है, बट ऐसा तो है नहीं कि सारे पार्टिकल्स जो है वो अभी अलग अलग होकर गिर जाएंगे, नहीं गिरेंगे ना, सारे पार्टिकल्स ने एक दूसरे को पकड़ के रखा है, इसीलिए तो आपको ऐसा पर्टिकुलर शेप मिलता है, यस और नो? ओके, चलिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज पार्टिकल जो होता है ना उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स होता है, राइट? और यह अट्रैक्शन फोर्स जो है वो अलग अलग सब्सटेंस के अंदर अलग अलग होता है। अगर आपके पास एक आयरन का नेल है, एक कांच का टुकड़ा है, एक चौक का टुकड़ा है और एक रबर है, चारों में से किसको तोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल है? ओके, आप कहोगे कि आयरन को तोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल है, राइट? क्योंकि आयरन के जो है ना उसके पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होता है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए जब आप आयरन को तोड़ना चाहते हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज पार्टिकल को बहुत ही स्ट्रांगली पकड़ के रखा गया होता है वहां पे। समझ आया बच्चों आपको इतना? ओके, तो सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं बच्चे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एंड दिस अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर, दिस अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर, राइट? इसके बारे में बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है जब आगे जाएंगे तब, ठीक है? चलिए बच्चों, पानी का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने एक पर्टिकुलर टब के अंदर पानी ले लिया
और आप उस पानी को ऐसे काटना चाहते हो तो आपका हाथ चला जाएगा पानी में इजीली, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन ये है कि पानी के जो पार्टिकल है ना उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। पानी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कैसा है बच्चों? वीक है। और क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स वीक है इसलिए जैसे ही आप बीच में से ऐसा हाथ मारोगे ना तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ओके, गए दूर और जैसे ही आपका हाथ पास हो जाएगा वापस पार्टिकल जो है वो ऐसे पास में आ जाएंगे। यस और नो? ओके, तो इसीलिए आप जो है वो पानी के अंदर से ऐसे हाथ को पास कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए तो अगर मैं तीनों स्टेट आपको दे दूं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो ये फोर्स सबसे ज्यादा किसमें होगा बच्चों? सॉलिड के अंदर ये फोर्स कैसा होगा? सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसमें होगा ये अट्रैक्शन फोर्स? लिक्विड में होगा। और गैस के अंदर तो अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है बच्चों? बहुत ज्यादा कम होता है। तो ये क्या है आपका? अट्रैक्शन फोर्सेस का ऑर्डर है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया बच्चों आपको? चले बच्चों, अब कुछ पर्टिकुलर ब्लू क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे और फिर लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। बहुत सिंपल सा ब्लू क्वेश्चन है। पहला है बच्चों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? तो मैटर ऐसी चीजें है जिसको मास होता है और जो जगह रोकता है। ठीक है, इतना ध्यान रखे, जितने भी फीलिंग्स होते हैं ना, फीलिंग्स उनका कोई मास नहीं होता, वो कोई जगह नहीं रोकते, तो वो मैटर नहीं होता है। चलिए, पहला है चेयर। बोले चेयर आएगा मैटर में? यस, बिकॉज वो जगह रोकता है। एयर, एयर भी स्पेस रोकता है, वो भी आएगा मैटर में। लव, लव तो फीलिंग है, वो कोई जगह रोकता नहीं है तो वो मैटर में नहीं आएगा। सिमिलरली स्मेल, ये भी फीलिंग है, नहीं आएगा मैटर में। हेट, हेट भी नहीं आएगा मैटर में। फिर है आलमंड्स, बादाम, बादाम तो जगह रोकता है मतलब वो मैटर होगा। थॉट, विचार, विचार का कोई सीमा नहीं होता है, वो कोई जगह रोकता नहीं है, यहां बैठे बैठे मैं कुछ भी बन सकता हूं, थॉट्स है ना। सॉरी, तो वो भी मैटर में नहीं आएगा। कोल्ड, कोल्ड जो है ना बच्चों, ठंडी, ठंडी लगना मतलब वो कोई मैटर नहीं है, वो तो एक फीलिंग है, वो भी मैटर में नहीं आएगा। लेमन, यस, लेमन जगह रोकता है, वो मैटर है। सिमिलरली वाटर भी जगह रोकता है, वो मैटर है। फिर स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का जो स्मेल है बच्चों, क्या वो मैटर में आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम जो है ना बच्चों, वो मैटर में आएगा क्योंकि परफ्यूम जो है ना वो उसके छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो हवा में घूमेंगे। जैसे आप परफ्यूम स्प्रे करोगे तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल जो है बच्चों, वो क्या होना है, हवा में घूमने वाला है और उसकी वजह से आपको स्मेल आएगा। ओके, तो वो अल्टीमेटली परफ्यूम के पार्टिकल्स है, तो वो जो है वो आपका मैटर में इंक्लूड होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, फर्स्ट ब्लू क्वेश्चन क्लियर। सेकंड ब्लू क्वेश्चन क्या है देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। चलिए बच्चों, गरम गरम खाने की स्मेल दूर तक जाती है, ठंडे खाने की स्मेल उतनी नहीं आती है। रीजन बहुत सिंपल है, जब खाना गरम है तो जो भी उसमें से पार्टिकल्स निकल रहे हैं उनका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। यस और नो? यस, अगर पार्टिकल का टेम्परेचर ज्यादा है तो पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। यस और नो? अगर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है मतलब वो ज्यादा दूर तक जा पाएंगे, मतलब वो दूर दूर तक फैलेंगे, इसीलिए गर्म खाने की स्मेल दूर तक आएगी। बट जो ठंडा खाना है उसके पार्टिकल कैसे होते हैं, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, इसीलिए ठंडे खाने की स्मेल दूर तक नहीं जाती है। ठीक है, चलिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वॉटर इन अ स्विमिंग पूल। चलिए, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज इज ऑब्जर्वेशन शो? तो डाइवर जब पानी में कूदेगा तो वो पानी के अंदर तक चला जाएगा। अभी मैंने समझाया बच्चों आपको कि पानी के जो पार्टिकल है उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, वीक है, तो इसीलिए जब डाइवर कूदेगा तो पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से कहां जाएंगे बच्चों, दूर जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात कि पानी के जो पार्टिकल है उनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। क्या होगा उनके बीच में? स्पेस होगा, तभी तो वो डाइवर जो है वो अंदर जा पाएगा। तो आपको दो चीजें मेंशन करनी है। पहला चीज ये कि पानी के पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, और दूसरा पानी के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। इन दो रीजन की वजह से डाइवर जो है वो पानी में अंदर कूद सकता है, जा सकता है अंदर तक। चलिए, लास्ट ब्लू क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। चलिए बच्चों, समराइज करके दे दूं आपको पार्टिकल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो। चलिए बच्चों, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था, दे हैव द स्पेस बिटवीन देम, था कि नहीं था? दूसरा था बच्चों, कंटिन्यूअसली मूविंग। ओके, कैसे है बच्चों, पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूवमेंट में है। ओके, मतलब दे व्हाट, दे पजेस व्हाट, दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, है ना बच्चों? क्या पजेस करेंगे वो? काइनेटिक एनर्जी पजेस करेंगे। चलिए बच्चों, साथ साथ में दे हैव द अट्रैक्शन फोर्स, दे अट्रैक्ट ईच अदर।
तो ये चार जो है बच्चों आपके पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट लेक्चर को एंड करते हैं। ओके प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और डेफिनेटली आपको इसके दोस्तों के साथ, आपको ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।